हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल गैलेक्सी 10 में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है 10 मोस्ट डेंजरस वायरसेस इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस। इस लिस्ट में बहुत सारे वायरसेस के नाम ऐसे होंगे बारे में हो सकता है आप लोगों को पहले से ही जानकारी हो, और कुछ वायरसेस के नाम ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको अभी तक कोई जानकारी ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ह्यूमन रेस जब से अपने अस्तित्व में आया है तब से वो लड़ता आ रहा है किसी ना किसी चीज के साथ। पहले वो नेचर के साथ लड़ते थे, फिर वो अलग अलग जंगली जानवरों के साथ लड़ते थे, और फिर जब वो सोसाइटी बनाकर रहने लगा तो फिर वो एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगे, जैसे कि अलग अलग राजाओं के बीच में लड़ाई या फिर वर्ल्ड वॉर जैसे लड़ाई। लेकिन इन सारी लड़ाई में से जिस चीज ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वह अलग अलग वायरसेस के साथ लड़ाई। इनमें से कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिन्होंने ह्यूमन रेस को पूरी तरह एक्सटिंक्शन के कगार तक पहुंचा दिया था, और कुछ वायरस ऐसे भी हैं जिनका इलाज आज भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए ये लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे नंबर 10 पे जो वायरस है वह है हंटा वायरस। हमारे आसपास हर समय हंटा वायरस के स्ट्रेन तैरते रहते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये हवा के जरिए फैलता है। इसके अलग अलग तरह के स्ट्रेन अलग अलग तरह के रोडेंट्स यानी कि कुदरने वाले जीव जैसे कि चूहे, गिलहरी, गिनी पिग, खरगोश और भी सैकड़ों प्रजातियां होते हैं रोडेंट्स के, उनके द्वारा फैलाया जाता है, जो इंसानों में अलग अलग तरह के बीमारियों का कारण बनता है। खासकर हेमरेजिक फीवर के साथ साथ रेनल सिंड्रोम यानी कि HFRS जो कि कोरियन वॉर के समय देखा गया था, और हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी कि HPS जिसने 1993 में उभरने के साथ साथ पूरे साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में अपना कहर दिखाया। गंभीर रूप से HFRS किडनी फेलियर का कारण बनता है, जबकि HPS आपके लंग्स को एक तरह के फ्लूइड जिसे पल्मोनरी एडेमा कहते हैं इस चीज से भर देता है जो कि गंभीर रूप से जानलेवा होता है। HFRS की मोर्टैलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर 1 से लेकर 15% तक है, वहीं HPS की मोर्टैलिटी रेट 38% की है। रिसेंटली 2012 के अंत में US के योशानाइट नेशनल पार्क में हंटा वायरस का प्रकोप देखा गया था जो कि HPS कैटेगरी का था। तो आगे हमारे इस लिस्ट में नंबर 9 पे जो वायरस है वो है लसा वायरस। ये BSL-4 वायरस हमें रोडेंट्स को अवॉइड करने का एक और रीजन देता है। लसा पश्चिमी अफ्रीका के चूहे की एक प्रजाति जिसका नाम है मैस्टोमिस नेटालेंसिस के द्वारा कैरी किया जाता है। ये एयरबॉर्न है यानी कि हवा के जरिए फैलता है, खासकर अगर आप चूहे के फेकल यानी कि मल के आसपास हैं। हालांकि इंसान इसे सिर्फ शारीरिक श्राव यानी कि बॉडीली सिक्रेशन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए फैला सकता है। लसा फीवर का मोर्टैलिटी रेट 1% है, लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड हुए पेशेंट में इसका दर काफ़ी ज़्यादा है जो कि 15% से लेकर 50% तक है। इस फीवर या वायरस के वजह से वेस्ट अफ्रीका खासकर सियेरा लियोनिया और लाइबेरिया में हर साल 5,000 से अधिक लोगों की जाने जाती है, और डेफनेस यानी कि बहरापन इसका आम और स्थायी लक्षण है। ये फीवर और रेट्रोस्टर्नल यानी कि छाती के पीछे दर्द से स्टार्ट होता है और फिर फेशियल स्वेलिंग, एन्सेफेलाइटिस, म्यूकसल ब्लीडिंग और डेफनेस तक बढ़ सकता है। फॉर्चुनेटली रिसर्चर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स को एक एंटीवायरल ड्रग की मदद से कुछ हद तक सक्सेस मिला है अर्ली स्टेजेस के लसा फीवर को ट्रीट करने में। तो आगे हमारे इस लिस्ट में नंबर 8 पे जो वायरस आता है वो है HIV। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसके बारे में आज हर कोई जानता है। ये वायरस एड्स जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बनता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल लाइफ की वजह से ये वायरस फैलता है। एड्स एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसे पहली बार 1976 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन ये तब तक पैंडेमिक यानी कि महामारी नहीं बन पाया जब तक ये 2005 से 2012 के बीच इसके पिक पे आया, और जिसके वजह से पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर इसका प्रभाव पड़ा। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस अपने अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इतने ज्यादा फेटल केसेस होने के बावजूद HIV का नंबर 8 पे होने का कारण है, और देशों की गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए अवेयरनेस कैंपेन जो कि एड्स को काफी हद तक कंट्रोल करने में मददगार साबित हुई है। तो आगे हमारे इस लिस्ट में जो वायरस आता है वह है डेंगू वायरस। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा अगर किसी वायरस की वजह से जाने जाती है तो वह है डेंगू वायरस।
इस वायरस की वजह से तेज बुखार, गंभीर सिर दर्द और सबसे खराब मामलों में हेमरेज का कारण बनता है। अच्छी खबर यह है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ये कंटेजियस नहीं है, यानी कि संक्रामक नहीं है। पर बुरी खबर यह है कि इसका कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बना है और ये आपको आसानी से हो सकता है अगर आपको कोई डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर काट लेता है तो। इस वजह से ऑलमोस्ट 3 बिलियन लोग हर वक्त खतरे में रहते हैं। CDC के अनुमान से 400 मिलियन से ज्यादा लोग डेंगू से इन्फेक्टेड हैं और इनमें से हर साल लगभग 100 मिलियन लोग इसके सिम्टम्स से पीड़ित होते हैं और ये बग स्प्रे बनाने वाले कंपनियों के लिए बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है। तो अगला हमारे इस लिस्ट में नंबर 6 पे जो वायरस है वह स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का कारण बनने वाली वायरस हजारों सालों से पूरे दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जान जाने का कारण बनता आ रहा है और हम इस चीज़ के लिए किसी जानवर को दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के लिए है और सिर्फ संक्रमित इंसानों के द्वारा फैलता है। स्मॉल पॉक्स कई अलग अलग तरह के होते हैं जो एक तरह के इन्फेक्शन से फैलता है जो हल्के से लेकर घातक तक हो सकता है। ये आमतौर पर फीवर, रैश, छाले और स्किन पे होने वाले दानों के जरिए पहचाना जाता है। फॉर्चुनेटली 1979 में पूरे विश्व भर में एक वैक्सीन का सफल प्रयोग के बाद स्मॉल पॉक्स को मिटाना संभव हो पाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो वायरस है वह है कॉलेरा। पूरे विश्व भर में खासकर इंडिया में कॉलेरा कई बार अपना प्रकोप दिखा चुका है। इसमें से 6 कॉलेरा जो था उसकी शुरुआत इंडिया में 1910 से लेकर 1911 के दौरान हुआ और फिर बाद में मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप से लेकर रशिया तक फैल गया। इस महामारी की वजह से उस समय 800,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। थर्ड कॉलेरा का शुरुआत भी इंडिया से ही हुआ था 1852 के दौरान और फिर ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स यानी कि महादेशों में फैल गया। 19th century में इस थर्ड कॉलेरा महामारी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई थी जो कि 10,00,000 से भी ज्यादा बताया जाता है। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पे जो वायरस आता है वो मार्बर्ग। 1967 में लैब वर्कर्स के एक ग्रुप ने जर्मनी के मार्बर्ग और फ्रैंकफुर्ट में और सर्बिया के बेलग्रेड में एक हेमरेजिक फीवर का संक्रमण हुआ था जो कि कुछ वायरस कैरी करने वाले अफ्रीकन ग्रीन मंकीज के वजह से फैला था। इन बंदरों को पोलियो वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्ट किया गया था। लसा वायरस की तरह मार्बर्ग वायरस भी एक BSL-4 वायरस है और मार्बर्ग हेमरेजिक फीवर का फेटेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है जो कि 23% से लेकर 90% तक है। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैलता है। इसका सिम्टम स्टार्ट होते हैं हेडेक, फीवर, रैशेस से और फिर मल्टीपल ऑर्गेन फेलियर से लेकर बड़ी मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग तक पहुंच जाता है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है और इसके लेटेस्ट केसेस 2014 में युगांडा में रिपोर्ट किया गया था। 2008 में एक अमरीकी टूरिस्ट ने युगांडा के एक केव यानी कि गुफा को एक्सप्लोर किया था जो कि फ्रूट बैट से पूरी तरह से भरा हुआ था। फ्रूट बैट यानी कि फल खाने वाले चमगादड़। इन फ्रूट बैट्स को और इस केव को मार्बर्ग वायरस का गढ़ माना जाता है। उस अमरीकी टूरिस्ट के जाने के बाद उन्हें भी यह संक्रमण हुआ यानी कि यह इन्फेक्शन हुआ, पर वो बच गए, जो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। तो हमारे इस लिस्ट में अगला जो वायरस है वह है इबोला वायरस। इस डेडली वायरस का नाम इसे पहली बार खोजे जाने वाली जगह यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की इबोला नदी के ऊपर रखा गया है और इसे CDC बायोसेफ्टी लेवल 4 यानी कि BSL-4 के रूप में क्लासिफाई किया गया है जो इसे इस प्लैनेट की सबसे खतरनाक रोगजनकों में से एक बनाती है। माना जाता है कि ये इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। इसका मोर्टैलिटी रेट वायरस स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन EBD में एवरेज मोर्टैलिटी रेट 50% की होती है जिसमें सिम्टम्स का तेज शुरुआत होती है हेडेक और गले में खराश से और फिर ये बढ़ते बढ़ते इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग से लेकर कई ऑर्गन फेलियर तक बढ़ जाता है। अब तक खोजे गए 5 इबोला वायरस स्ट्रेन में से 4 EBD यानी कि इबोला वायरस डिजीज का कारण बनता है जिसने 1976 में अपने खोजे जाने के बाद से सब सहारन अफ्रीकन नेशंस में हजारों लोगों की जान ली है। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है और इसका मोस्ट रिसेंट केस इसी साल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रिपोर्ट किया गया था। तो अगला इस लिस्ट में नंबर 2 पे जो वायरस है वो है स्पैनिश फ्लू। कोई भी वायरस दुनिया भर में इन्फ्लुएंजा की तुलना में पेंडेमिक यानी महामारी के लिए ज्यादा क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता। ये वायरस कॉन्स्टेंटली म्यूटेट करता है और नए स्ट्रेन्स बनाते हैं।
इसके हजारों स्ट्रेन्स हर वक्त हमारे आसपास मौजूद हैं, जिसमें से ज्यादातर हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, लेकिन इसके कुछ स्ट्रेन्स बहुत ही ज्यादा जानलेवा हैं। उनमें से कुछ जैसे कि 1968 में हांगकांग फ्लू H3N2 वायरस सब टाइप, 1889 से लेकर 1890 रशियन फ्लू H3N8 सब टाइप वायरस, 1950 में हुआ एशियन फ्लू जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, H1N1 स्वाइन फ्लू इसका रिसेंट न्यूज मेकर है, जब 2009 में इस महामारी ने अपने पहले साल में ही दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा लोगों की जानें ली थी। लेकिन जिस इन्फ्लुएंजा वायरस ने मानव इतिहास में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो है स्पेनिश फ्लू। इस वायरस ने साल 1918 में पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 20-40% लोगों को इन्फेक्ट किया था, जिसमें 50 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार भीड़भाड़ वाले अस्पताल और खराब हाइजीन की वजह से ये वायरस बहुत तेजी से लोगों में फैल गया था। तो अगला इस लिस्ट में नंबर एक पे जो वायरस है वो है प्लेग। मानव इतिहास का सबसे बड़ा पैंडेमिक या महामारी था प्लेग, जो 3 अलग अलग टाइम पे फैला था। इसमें जो सबसे पहली बार जानकारी में आया था वो था AD 165 में। इसे एंटोनाइन प्लेग कहा जाता है। इसमें इसने रोमन एम्पायर को हिट किया था, जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। उस टाइम पे ये सस्पेक्ट किया गया था सुदूर पूर्व से लौटने वाले सैनिकों द्वारा स्मॉल पॉक्स या मिसल्स नाम की बीमारी लाया गया था। एंटोनाइन प्लेग को प्लेग ऑफ गैलन के नाम से भी जाना जाता है। बुबोनिक प्लेग का दूसरा अटैक सन 541 से लेकर 542 के दौरान हुआ था। इसे प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। इस महामारी ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बाइजेंटाइन एम्पायर को हिट किया था, साथ ही मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर के आसपास के कई शहरों में भी फैल गया था। और इसका मेन रीजन था वहां आने वाले अनक्लीन जहाज, जो काफी बड़ी संख्या में वहां पे पोर्ट में आया करते थे। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि इस प्लेग की वजह से 25 मिलियन से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, जो कि उस टाइम पे यूरोप के कुल आबादी का आधा हिस्सा था। लेकिन मानव इतिहास में अभी तक दर्ज किए जाने वाले डेडलीस्ट आउटब्रेक्स में से सबसे बड़ा आउटब्रेक आया था सन 1346 से लेकर 1353 के दौरान। इस प्लेग महामारी को द ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था। इस ब्लैक डेथ की वजह से 200 मिलियन से अधिक लोगों की जाने गई थी। इसने पूरी दुनिया पर डेमोग्राफिक तौर पर नया आकार दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि यह बीमारी एशिया में पैदा हुई और जहाजों में रहने वाले काले चूहों की वजह से दुनिया भर में फैल गया। तो हमारे इस लिस्ट में जो भी मैंने वायरसेस के बारे में बताया, इन वायरसेस की वजह से अभी तक करोड़ों लोगों की जान गई है। इसमें से ज्यादातर महामारी के समय दुनिया भर में मेडिकल फैसिलिटी इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। उस समय लोगों को जागरूक करने का या सतर्क करने के ज्यादा तरीके भी नहीं थे, लेकिन आज के दौर में हम लोग मेडिकल और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्रों में ही कई गुना आगे पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि अभी हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज इतना एडवांस हो गए हैं कि हम लोग घर बैठे ही लोगों को सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के जरिए जागरूक कर सकते हैं, जरूरत के सारे सामान घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग बिना घर से बाहर निकले अपने जरूरत के सारे काम कर सकते हैं। और COVID-19 या कोरोना वायरस के चलते इस समय यही सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस का ऐसा कहर आया है कि अगर अभी हम लोग ना सुधरे तो शायद बहुत जल्द इस लिस्ट में सबसे पहला नाम COVID-19 का होगा। दुनिया भर के हर देशों की सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं, हमारे देश की सरकार ने भी बनाए हैं। हमें बस इस चीज को या इन रूल्स को फॉलो करना है। इस वायरस को सिर्फ हम और आप लोग मिलकर ही रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। दुनिया भर के डॉक्टर, साइंटिस्ट, पुलिस फोर्स सभी अपने जान को खतरे में डालकर हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो क्या हम लोग अपने और अपने परिवार के लोगों की जान के लिए घर में रहकर उनके इस काम को थोड़ा आसान नहीं बना सकते? दुनिया भर में अभी तक 3 मिलियन के करीब लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें 2 लाख के करीब लोगों की जाने गई है, और हर घंटे ये नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाए। अगर अभी भी हम लोग अवेयर नहीं होते हैं तो इस 3 मिलियन का 300 मिलियन और इस 2 लाख का 20 लाख बनने में
ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद सेफ रहिए, अपने फैमिली को सेफ रखिए और इसी की तरह अपने देश को भी सेफ रखिए। आज मैं ना ही आपको ये वीडियो लाइक करने के लिए कहूंगा, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि घर में रह के हमारी देश की सरकार जो इस वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं उसमें अपना हाथ बटाइए, उसमें सहायता करें, इसको फैलने से रोकें और हो सके तो ज़रूरतमंदों की मदद करें। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करके अपने करीबी लोगों को भी इस बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।